ये है मिडबोरिया प्लाट्सन, रोड का नाम है मिडबोरिया प्लाट्सन। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि ये भी ओल्ड टाउन में शामिल है इलाका, और ये सब स्वीडन के किंग की मिल्कियत है। उसे लीज पर, रेंट पर घर दिए हुए, लेकिन मिल्कियत उसी की है। लेकिन लीज पर भी इंतहाई महंगे घर हैं, लोगों को मिल नहीं पाते क्योंकि शहर के बीचों बीच जो घर होते हैं वो हर आदमी चाहता है बिल्कुल शहर के बीचों बीच रहे, दूर दराज ना रहे। तो इस वजह से यहाँ की कीमतें रोज़ बरोज बढ़ती जाती हैं। और ये कि तकरीबन 8 से 10 मिलियन तक के घर हैं ये, जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये बाहर से तो पुरानी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल मॉडर्न दौर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुई हुई है अंदर इनसाइड। तो बहुत स्वीडन एक पीसफुल और ख़ूबसूरत जगह है, आप ज़रूर विज़िट करें। और अगर आप यहाँ के ख़र्चे वगैरह, होटल का किराया, ट्रेन ट्रैवल कार्ड वगैरह अगर मालूम करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर विज़िट करें, तो आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे आपको होटल के रेट्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट और पूरा एक पैकेज भी आपको मिल सकता है। हर चीज़ की प्राइस लिखी हुई है कम से कम, इस वजह से हर जो कुछ भी है। तो ये होटल वगैरह सब, रेस्टोरेंट वगैरह संडे की वजह से रश कम है, वरना बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी म्यूज़ियम वगैरह भी हैं, बहुत सारे घूमने फिरने की जगहें हैं, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ साल पहले समंदर के अंदर से इन्होंने 1500 साल पुरानी बोट निकाली थी, जो कि एक म्यूज़ियम में इन्होंने रखी हुई है। लोग वहाँ विज़िट करते हैं टिकट लेकर और देखते हैं जाके कि 1500 साल पहले यानी 1400 ईयर्स पहले जो है क्या हाल था और कैसी डेवलपमेंट थी और क्या था। तो देखने से ताल्लुक़ रखती है बहुत सारी जगह, और ख़ास तौर पे अगर हिस्ट्री के अगर आप शौकीन हैं तो यहाँ ज़रूर आए, आपको म्यूज़ियम वगैरह और पुरानी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ आपको मिलेगा।